एक लड़का जिसे प्यार में धोखा मिलता है और उसे जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा परेशान होकर और गुस्से में खुद का ही एक्सीडेंट कर देता है। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपनी बॉडी को हॉस्पिटल में देखता है, लेकिन उसकी आत्मा तो बाहर घूम रही थी, उसे वहाँ पर कोई भी देख नहीं पाता। लेकिन वहाँ पर एक ऐसी लड़की मौजूद थी जो उसे देख सकती है। अब क्या ये लड़की भी आत्मा है और क्या उस लड़के को अपना प्यार वापस मिलेगा, यही देखेंगे हम आज की कहानी में। दोस्तों, इस कहानी के एंड में जो ट्विस्ट रिवील होता है उसे देखकर आपके तो होश उड़ जाएंगे, इसीलिए इस कहानी को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे साउथ मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है अखिल नाम के यंग लड़के से। हम देखते हैं कि ये लड़का अपने हाथ में मौजूद रिंग को फेंकता है और अपनी गाड़ी की तरफ जाता है। तभी उसकी नजर गाड़ी पे लगी मॉम के स्टिकर पर पड़ती है और वो कहता है कि माँ, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, और गाड़ी में बैठकर कुछ अजीब सा बर्ताव करने लगता है। साथ ही उसे कुछ आवाजें आ रही थी जैसे कि कोई उसे आवाज लगा रहा हो और उसे रुकने के लिए कह रहा हो, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता और गाड़ी को तेज चलाते हुए एक जगह पर ठोक देता है। और उसने गाड़ी को जानबूझकर ठोका था और यहाँ पर उसने अपना एक्सीडेंट जानबूझकर किया था ताकि वो खुदकुशी करके अपनी जान दे सके। उसके बाद जब अखिल की आंखें खुलती है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है। वहां पर उसकी बॉडी जख्मी हालत में अनकॉन्शियसली पड़ी होती है और उस पर इलाज भी शुरू हो जाते हैं। अब यहां पर अखिल वहां की नर्स और डॉक्टर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि उसे कोई देख और सुन नहीं पा रहा था, क्योंकि वो तो उसके शरीर से बाहर था, यानी कि एक आत्मा के रूप में। अब उसके बाद अखिल उस हॉस्पिटल की बिल्डिंग से बाहर निकलता है तो उसे वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई दिखाई देती है। और पहले तो वो लड़की उसे ऐसा दिखाती है कि वो उसे देख नहीं सकती, लेकिन आखिरकार अखिल को पता चल ही जाता है कि वो उसको देख सकती है। दरअसल दोस्तों, ये लड़की भी अखिल की तरह एक आत्मा होती है जिसका उसी अस्पताल में ट्रीटमेंट हुआ था। अब यहाँ पर वो लड़की अपना नाम प्रिया बताती है। अखिल कहता है कि यहाँ पर मैं प्रिया नाम की लड़की की वजह से ही पहुँचा हूँ जिसने मुझे धोखा दिया। इसी के साथ वो पूछता है कि यहाँ पर हमारे जैसे कितने लोग हैं। प्रिया कहती है कि अब तक तो सिर्फ तुम ही मुझे दिखे हो। खैर, अब बातों ही बातों में अखिल प्रिया से कहता है कि आखिरकार मैं यहाँ पर कैसे आया। और दोस्तों, यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर हम अखिल को उसके दोस्त नरेश के साथ बात करता हुआ देखते हैं। अखिल कहता है कि तुम्हारा साला मैरिज रजिस्टर ऑफिस में काम करता है ना, तो तुम उसे कहकर मेरी और प्रिया की शादी करने का अरेंजमेंट करा दो। नरेश कहता है कि क्या तुमने इससे पहले उसे बताया है। अखिल कहता है कि नहीं, लेकिन मुझे यकीन है वो मुझसे प्यार करती है और शादी के लिए भी मान जाएगी। जिस पर नरेश कहता है कि उसकी भी लाइफ है, उसके लाइफ में भी कुछ लोग है, फैमिली है, और वो उनको छोड़कर तुम्हारे पास आएगी। इसलिए पहले तुम एक काम करो, पहले प्रिया से जाकर शादी के बारे में बात करो और उसे प्रपोज भी करो। तब तक मैं रजिस्टर ऑफिस के बाहर ही खड़ा रहूंगा और जैसे प्रिया शादी के लिए मान जाए तो मुझे कॉल कर देना, फिर मैं ऑफिस के अंदर जाकर सारी अरेंजमेंट कर दूंगा। अब नरेश के कहने पर अखिल प्रिया से मिलने के लिए उसके हॉस्टल पर चला जाता है। तभी वॉचमैन उसे कहता है कि शायद वो कॉलेज गई है। जब अखिल प्रिया को कॉल करने लगता है तो प्रिया बार बार उसका कॉल कट करती है और तभी अखिल की नजर सामने बैठे हुए कपल पर पड़ती है। और दोस्तों, वो लड़की और कोई नहीं बल्कि प्रिया ही थी, और ये देखकर अखिल के तो होश उड़ जाते हैं। उसका बेचारे का तो दिल ही टूट जाता है, क्योंकि वो तो किसी दूसरे लड़के के साथ प्यार भरी बातें कर रही थी। अब यहाँ पर कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर अखिल की नजर उसके पिता पर पड़ती है जो कि अस्पताल में जा रहे हैं, और अखिल भी उनके पीछे पीछे अस्पताल में जाता है। अखिल के पिता अखिल के बॉडी के पास जाकर डॉक्टर से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, अब अखिल की हालत कैसी है। डॉक्टर बताते हैं कि अब वो खतरे से बाहर है। साथ में डॉक्टर नर्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ऑक्सीजन लेवल को ठीक से मेंटेन रखना अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, नहीं तो इसकी हालत फिर से बिगड़ सकती है, इसलिए ध्यान से। अब उसके बाद अखिल प्रिया के पास वापस आता है तो वो देखता है कि प्रिया तो वहाँ पर रो रही है। प्रिया कहती है कि तुम्हें पता है यहाँ पर हम सिर्फ दो ही लोग हैं जो कि एक दूसरे को देख सकते हैं, और इसके बावजूद भी तुम मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर चले गए थे। अब यहाँ पर अखिल अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है और उससे पूछता है कि लेकिन तुम यहाँ पर कैसे। प्रिया कहती है कि मेरी भी कहानी कुछ तुम्हारे जैसे ही है, और मैं भी यहाँ पर एक्सीडेंट की वजह से ही आई हूँ, और अगर तुम मेरी कहानी सुनना चाहते हो तो तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि आइंदा से तुम कभी मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाओगे। अखिल कहता है कि
ठीक है बाबा, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, अब तो तुम्हारी कहानी मुझे बताओ। प्रिया कहती है कि नहीं, यहाँ से कहीं और चलते हैं। अब प्रिया और अखिल ये दोनों कुछ दूरी तक ऐसे ही कैजुअली बातें करते हुए जाते हैं। तभी प्रिया कहती है कि चलो ना, हम बर्फ देखने के लिए जाते हैं। अखिल कहता है नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, हम दोनों किसी भी वक्त फिर से होश में आ सकते हैं, इसीलिए हमें हॉस्पिटल के आसपास ही रहना होगा। लेकिन यहाँ पर प्रिया बार बार जिद करने लगती है, इसीलिए अखिल प्रिया के साथ बर्फ देखने जाने के लिए मान जाता है। अब अखिल और प्रिया को बर्फ देखने के लिए जिस जगह पर जाना होता है वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें ट्रेन से जाना होगा, इसीलिए वो दोनों स्टेशन पर पहुंचते हैं, यानी कि रेलवे स्टेशन पर। अब यहां पर प्रिया के पूछने पर अखिल बताता है कि मैंने आखिरकार खुदकुशी कैसे की, और यहां से कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम अखिल को देखते हैं वो अपने घर में ड्रग्स को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास उस वक्त कोई भी ड्रग्स नहीं होते, इसीलिए वो एक ड्रग्स डीलर के पास जाकर उससे ड्रग्स खरीदता है, और फिर ड्रग्स के नशे में अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया को मारने के लिए एक चॉपर लेकर जाता है, जहां पर उसकी गर्लफ्रेंड अपने आशिक के साथ बैठी हुई थी। लेकिन वो प्रिया से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए वह उसको मार नहीं पाता, और वहां से अपनी गाड़ी लेकर वापस आने लगता है। प्यार में इस तरह धोखा खाने के बाद अखिल गाड़ी में बैठकर खुदकुशी करने की कोशिश करता है, और अब यहाँ पर कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, और प्रिया अखिल पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, उस पर चिल्लाती है और कहती है कि क्या तुम पागल हो, इतनी छोटी बात के लिए कोई खुदकुशी करता है, ऐसा तुम सोच भी कैसे सकते हो, तुम्हें पता भी है तुम्हारी इस हरकत की वजह से किसी और की भी मौत हो सकती है। अब प्रिया के गुस्सा होने पर अखिल भी उस पर गुस्सा होता है, और वो प्रिया को वहीं पर छोड़कर रेलवे स्टेशन के ब्रिज पर चला जाता है। यहाँ इस तरफ हॉस्पिटल के बाहर हम अखिल के पिताजी को देखते हैं, जो कि गाड़ी में बैठकर फोन पर डॉक्टर से बात कर रहे थे, और कहते हैं कि डॉक्टर कुछ भी हो जाए आप अखिल को बचा लीजिए, कितना भी पैसा लगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप उसे बचा लीजिए। अब यहाँ पर हम प्रिया को देखते हैं, जो कि रेलवे ट्रैक पर एक कुत्ते को खेलते हुए देखती है, लेकिन तभी अचानक सामने से एक ट्रेन आने लगती है, इसीलिए प्रिया उस कुत्ते को बचाने के लिए जाती है, लेकिन वो तो उस वक्त सिर्फ एक आत्मा है, वो उसे कैसे बचा पाती। तभी यहाँ पर प्रिया को इस तरीके की जोखिम लेता हुआ देखकर अखिल भी वहाँ पर आ जाता है और उसकी मदद करने लगता है। आखिरकार वो उस कुत्ते के बच्चे को बचा लेते हैं, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो कुत्ता तो उन दोनों को देख और सुन सकता है। खैर, अब वो दोनों एक ब्रिज पर बैठते हैं, और अखिल प्रिया को बताता है कि मैं अपनी मॉम से बहुत प्यार करता था, और मेरे पापा की वजह से उनकी जान चली गई। जिस पर प्रिया कहती है एटलीस्ट तुम्हारे पास तुम्हारी फैमिली तो थी, और अभी भी तुम्हारे पिता जिंदा है, तुम्हारे पास है, लेकिन मैं तो बचपन से ही अनाथ जिंदगी जी रही हूँ, तुम्हें पता भी है मैं कितनी बोरिंग जिंदगी जी रही थी। अब इसी के साथ प्रिया अखिल से कहती है कि तुम तो यहीं पर छोटे से बड़े हुए हो ना, तो तुम्हें तो यहाँ की सारी बातें पता होगी, तो तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम मुझे यहाँ के नज़ारे दिखाने के लिए क्यों नहीं ले जाते। अब उसके बाद अखिल प्रिया को अपना स्कूल दिखाने के लिए ले जाता है। वहां पर जाकर वो प्रिया को बताता है कि बचपन में नरेश ने मेरा लिपुट कहकर मजाक उड़ाया था, इसीलिए मैंने उसको बहुत मारा था, और उसके बाद स्कूल छूटने के बाद नरेश अपने बाकी के दोस्तों को लेकर आया और मेरी जमकर पिटाई की, लेकिन फिर भी आज वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अब अखिल और प्रिया ये दोनों नदी के किनारे बैठकर बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक अखिल को कुछ घुटन सा महसूस होता है, इसीलिए प्रिया अखिल को तुरंत ही हॉस्पिटल के पास ले जाती है, जहां पर वो देखती है कि नर्स की लापरवाही की वजह से वो सो गई और यहां पर ऑक्सीजन का लेवल बिगड़ गया था। तभी अखिल के पिता और डॉक्टर वहां पर आकर ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करते हैं, और अब ऐसा करते ही अखिल को थोड़ा बेटर फील होता है। अब उसके बाद अखिल और प्रिया और वो डॉग फिर से बर्फ देखने के लिए चले जाते हैं। अब यहाँ पर अखिल प्रिया के साथ इतना ज्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद उसे प्रिया बहुत ज्यादा अच्छी लगने लगती है, और इस वजह से वो मन ही मन में उसे प्रपोज करने के बारे में सोचता है। लेकिन अखिल को ऐसा लगता है कि अगर वो उसे प्रपोज कर देगा तो शायद उसको बुरा लग सकता है। खैर, अब उसके कुछ देर के बाद अखिल प्रिया को बताता है कि किस तरह से उसके पिता उसकी माँ को परेशान किया करते थे। साथ ही वो प्रिया को ये भी बताता है कि मैं अक्सर मेरी माँ से कहता था कि आप दूसरी शादी कर लो और हम भी यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन उन्होंने कभी मेरी बात नहीं मानी और इसी वजह से वो आज मेरे साथ नहीं है। जिस पर प्रिया भी बताती है कि किस तरह वो और उसकी दोस्त रूपा बचपन से ही फैमिली का प्यार पाने के लिए तरसती रही, लेकिन किसी ने उन्हें अडॉप्ट नहीं किया। लेकिन तभी उन्हें पता चला कि उनकी एक फ्रेंड है जिसने कॉलेज ज्वाइन किया और उसको एक लड़के से प्यार भी हो गया। फिर शादी करने के बाद दोनों बहुत ही खुशी से रहते थे और उसके सास ससुर उसे बिल्कुल भी अपनी बेटी की तरह रखते थे। अब ये बात सुनकर प्रिया और रूपा ये दोनों भी कॉलेज ज्वाइन करती है,
और वहाँ पर रूपा को उसी की क्लास के एक लड़के से प्यार हो जाता है, लेकिन वो घटिया लड़का रूपा का इस्तेमाल करके उसको धोखा देता है और उससे शादी करने के लिए मना कर देता है। यहाँ पर प्रिया ये भी बताती है कि उसके बाद रूपा ने दूसरा बॉयफ्रेंड बनाया और वो लड़का और कोई नहीं बल्कि वही लड़का था जो मुझे पसंद था, जिसे मैं कॉलेज जाते हुए अक्सर देखा करती थी, लेकिन मैंने अपने प्यार के बारे में ना ही उस लड़की को बताया ना ही रूपा को, क्योंकि रूपा और मैं बचपन से एक साथ रहते थे और मुझे लगा था कि उसकी खुशी मेरी ही खुशी है। लेकिन उसके कुछ दिन बाद रूपा के पास उसका प्यार करने वाला बॉयफ्रेंड होने के बावजूद भी उसने फिर से किसी और के साथ रिलेशनशिप बनाया और वो उस लड़के को चीट करने लगी। अब यहाँ पर प्रेजेंट में ये दोनों बातें करते करते बर्फ की तरफ पहुँच जाते हैं। यहाँ आकर ये दोनों ही अपनी सारी परेशानियाँ भूल जाते हैं। अब कुछ देर वहाँ पर एंजॉय करने के बाद अखिल और प्रिया ये दोनों ही हॉस्पिटल के लिए वापस निकलते हैं, लेकिन तभी उनको रास्ते में दिखाई देता है कि एक लड़का बेंच के ऊपर बैठे हुए आदमी के पास आता है और उसे पैसे देकर उसे कुछ लेकर जाता है। उसके बाद बेंच पर बैठा हुआ वो आदमी भी वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर अखिल प्रिया को बताता है कि वो ड्रग्स का डीलर है और उसने अभी अभी उसको ड्रग्स बेचा। प्रिया अखिल से कहती है कि तो फिर हमें तुरंत ही उसका पीछा करना चाहिए ताकि होश में आने के बाद हम उसकी पुलिस में कंप्लेंट कर सके। इसलिए अब वो दोनों उस ड्रग्स डीलर का पीछा करने लगते हैं, लेकिन तभी रास्ते में उस ड्रग डीलर को कुछ लोग मारपीट कर उसके सारे पैसे छीनकर ले जाते हैं। लेकिन उस वक्त ड्रग डीलर के पास एक छोटी सी थैली थी जिसको वो बहुत ही संभाल कर अपने एक टूटे फूटे मकान पर ले जाता है। प्रिया और अखिल भी उसके पीछे पीछे जाते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि ये ड्रग डीलर यहाँ पर उसकी फैमिली के साथ रहता है और उस थैली में उसकी फैमिली के लिए खाना है। दरअसल ये बंदा बहुत ज्यादा गरीब होता है और इसीलिए पैसों के लिए उसको ये सब कुछ करना पड़ता है। अब ये देखकर प्रिया और अखिल ये दोनों भी इमोशनल हो जाते हैं और उसके बाद फिर वो दोनों वापस अस्पताल जाने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में अखिल अपने रिंग को फेंकता है और प्रिया को बताता है कि मैंने अपने गर्लफ्रेंड को कभी प्रपोज भी नहीं किया। अब अखिल को उदास देखकर प्रिया उसे कहती है कि चलो हम एक गेम खेलते हैं जिसमें हम तीन पेपर्स पर अपनी अपनी कुछ बातें लिखेंगे, जैसा कि हमें क्या पसंद है, हम एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, जो हम डायरेक्टली नहीं कह सकते वो हम इस पेपर पर लिखेंगे। उसके बाद वो दोनों तीन अलग अलग बातें लिखते हैं और अलग अलग जगह पर छुपा देते हैं। फिर एक दूसरे की चिट्ठियों को ढूंढ कर उन लिखी हुई बातों को पढ़ना होता है। अब यहाँ पर प्रिया ने सबसे पहली बात लिखी होती है कि वो अखिल को एक बार हंसते हुए देखना चाहती है। दूसरी बात लिखी होती है कि वो एक बार फ्लाइट से दूसरे देश की सैर करना चाहती है। तीसरी बात लिखी होती है कि भले ही मैं जिससे प्यार करती थी वो मेरे दोस्त से प्यार करता था, लेकिन फिर भी मैं कभी उसको अपने दिल से निकाल नहीं पाऊंगी। और जब प्रिया अखिल की चिट्ठियों को पढ़ती है तो पहली चिट्ठी में लिखा होता है कि मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। दूसरे में लिखा होता है कि आप भले ही मेरे साथ नहीं हो, लेकिन आपकी जैसी एक और लड़की मेरे जिंदगी में है। अब यहाँ पर अखिल ने उसकी तीसरी चिट्ठी पढ़ ली थी जिसमें उसने लिखा था कि अभी भी वो उस लड़की को भूल नहीं पाई है। तो अखिल ये पढ़कर प्रिया को अपनी तीसरी चिट्ठी पढ़ने के लिए नहीं देता, क्योंकि उसमें उसने प्रिया को प्रपोज करते हुए आई लव यू लिखा होता है। इसीलिए वो प्रिया से उस चिट्ठी को छीन लेता है, लेकिन जब प्रिया उसे बार बार चिट्ठी दिखाने के लिए कहती है तो वो उसको एक ब्लैंक चिट्ठी दिखाता है और कहता है कि मैंने तो इसमें कुछ भी नहीं लिखा था। उसके बाद यहाँ पर हमें अखिल के पिताजी को दिखाया जाता है। एक डॉक्टर उन्हें बताती है कि अखिल ने ड्रग्स लेकर कार से एक लड़की को ठोक दिया है, इसीलिए पुलिस उस लड़की के होश में आते ही उससे पूछताछ करेगी, जिसमें आपका बेटा अखिल भी फंस सकता है। उसके बाद सीन फिर से प्रिया और अखिल पर शिफ्ट होता है, जहां प्रिया अखिल से नाराज होकर बैठी हुई थी क्योंकि उसने उसे तीसरी चिट्ठी पढ़ने के लिए नहीं दी। तभी अखिल प्रिया के पास जाकर स्माइल करता है और प्रिया पूछती है कि तुम इस तरह से स्माइल क्यों कर रहे हो। अखिल बताता है कि ये तो तुम्हारी इच्छा थी ना, तुम ही मुझे हंसते हुए देखना चाहती थी। प्रिया कहती है मैं तुम्हें इस तरह नहीं बल्कि दिल से हंसते हुए देखना चाहती हूँ। उसके बाद अखिल प्रिया से कहता है कि चलो हम किसी फ्लाइट से दूसरे देश घूमकर आए, वैसे भी अभी हमें किसी पासपोर्ट की जरूरत नहीं है और ना ही किसी टिकट की। इसीलिए अब वो दोनों एक एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं और आसपास के ही किसी देश में जाने का तय करते हैं। अखिल प्रिया से कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं प्लेन के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल कर लाता हूँ। और उसके थोड़ी देर बाद जब वो वापस आता है तो उसे यहाँ पर प्रिया कहीं पर दिखाई नहीं देती, तो अखिल को लगता है कि शायद प्रिया को होश आ गया होगा इसलिए वो गायब हो गई। लेकिन ऐसा नहीं था, तभी उसकी नजर प्रिया पर पड़ती है जो कि थोड़ी ही दूरी पर खड़ी होकर रो रही थी। अब यहाँ पर अखिल उसे रोने का कारण पूछता है तो प्रिया कहती है कि बस मुझे हॉस्पिटल वापस जाना है।
इसीलिए प्रिया और अखिल ये दोनों ही ट्रेन से हॉस्पिटल चले जाते हैं। ट्रेन में प्रिया काफी ज्यादा उदास बैठी होती है और वो अखिल से पूछती है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, सच सच बताओ तुमने उस चिट्ठी में क्या लिखा था। अखिल कहता है कि मैंने तो उस चिट्ठी में कुछ भी नहीं लिखा था, वो चिट्ठी तो खाली थी, देखा था ना तुमने। प्रिया कहती है कि सच में तुमने ऐसा ही लिखा था, मुझे सच बताओ तुमने उस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा था जो तुम मुझसे छुपाना चाहते हो, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, बताओ। लेकिन अखिल प्रिया को मना करके ट्रेन से उतर जाता है, लेकिन प्रिया उस ट्रेन से नहीं उतरती और आगे चली जाती है। जब ये बात अखिल को पता चलती है तो वो अगली ट्रेन में बैठकर प्रिया को ढूंढने के लिए जाता है और आखिरकार प्रिया उसे मिल ही जाती है। और अब यहाँ पर अखिल प्रिया को आई लव यू कहने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक वो वहाँ से गायब हो जाता है और उसकी आत्मा वापस से उसके बॉडी में आ जाती है, यानी कि यहाँ पर हॉस्पिटल में उसे होश आ गया था। अब होश में आते ही अखिल हॉस्पिटल में प्रिया को ढूंढने लगता है। तभी रिसेप्शनिस्ट उसे कहती है कि इस हॉस्पिटल में तो प्रिया नाम की कोई लड़की है ही नहीं। उसके बाद अखिल का दोस्त नरेश वहां पर आता है और अखिल उसे सारी बात बताता है। तभी प्रिया की आत्मा अखिल के पास आती है और अखिल भी प्रिया की आत्मा को महसूस कर रहा था, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वो उससे बात नहीं कर पाता। फिर उसके बाद नरेश उस रिसेप्शनिस्ट से प्रिया के बारे में पूछता है, लेकिन उसे भी कुछ भी पता नहीं चलता। उसके बाद अखिल की पहली गर्लफ्रेंड प्रिया हॉस्पिटल में आती है और रिसेप्शनिस्ट से कुछ पूछकर अंदर चली जाती है। उसके बाद नरेश उस रिसेप्शनिस्ट से कुछ पूछताछ करता है और उनको पता चलता है कि वो किसी रूपा नाम की लड़की को यहाँ पर देखने के लिए आई है, जिसका आज सुबह ही कार एक्सीडेंट हुआ है। तभी नरेश और अखिल ये दोनों भी उसके पीछे पीछे जाते हैं तो वार्ड बॉय उन्हें मुर्दा घर में लेकर जाता है। और दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट, उस मुर्दा घर में प्रिया की बॉडी रखी हुई होती है, यानी कि दोस्तों प्रिया की मौत हो चुकी है। वार्ड बॉय उन्हें बताता है कि प्रिया को मरे हुए एक घंटा हो चुका है, यानी कि दोस्तों एयरपोर्ट पर जब प्रिया रो रही थी तो वो उसी वजह से रो रही थी क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसकी मौत हो गई है। अब प्रिया के डेड बॉडी को देखकर अखिल की गर्लफ्रेंड अपनी गलती समझ जाती है और वो अखिल को गले लगा लेती है और वो अखिल से कहती है कि यही मेरी बचपन से सब कुछ थी और इसका नाम रूपा था। तब जाके दोस्तों अखिल को धीरे धीरे सारी बातें समझ में आती है, यानी कि मूवी की शुरुआत में अखिल को गाड़ी में जो आवाज सुनाई दे रही थी वो इसी लड़की रूपा की थी और इसका नाम प्रिया नहीं बल्कि रूपा होता है, क्योंकि जब अखिल ने अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया को किसी दूसरे बंदे के साथ देखा था तब वो गुस्से में कार से जा रहा था और तभी रूपा उसको देखती है और उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर अखिल नशे की हालत में होने की वजह से वो रूपा को ही ठोक देता है और रूपा का एक्सीडेंट होने की वजह से वो हॉस्पिटल में आई थी। और दोस्तों रूपा ने जिस लड़की के बारे में बताया था, यानी कि वो जिस लड़के से प्यार करती थी, वो और कोई नहीं बल्कि अखिल ही होता है। लेकिन अखिल को तो उसकी दोस्त प्रिया पसंद थी, इसलिए रूपा ने कभी भी उसको अपनी दिल की बात नहीं बताई। खैर अब इस तरीके से कुछ दिन बीत जाते हैं और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अखिल जब अपनी कार से कहीं पर जा रहा होता है तभी रास्ते में अखिल के पिता उसका रास्ता रोकते हैं और उसे कहते हैं कि बेटा तुम मेरे साथ रहने के लिए आ जाओ, हम दोनों एक साथ रहेंगे। लेकिन अखिल कहता है कि नहीं, इससे तो अच्छा होता कि आप ही मर जाते, आपकी वजह से मेरी माँ की जान चली गई और उस लड़की की भी जिससे मैं प्यार करने लगा था। जी हाँ दोस्तों, अखिल को पुलिस के चक्कर से बचाने के लिए रूपा को हॉस्पिटल में बेहोश की हालत में मार डाला, नहीं तो आज रूपा जिंदा थी और अखिल वो दोनों साथ होते। और दोस्तों इसी के साथ ये लव स्टोरी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये लव स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ ही ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।